रणावट डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ होमोसेक्सुअल समलैंगिक के मनोविश्लेषणात्मक अवस्था में तीन प्रकार की इनकी जीवन शैली पाई गई है। वो तीन प्रकार की कौन सी जीवन शैली है ये जानने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन माँ बाप को पता चले कि उनकी औलाद भटक चुकी है। और काफी लोगों को ये पता नहीं होता है कि इसका निदान कहाँ होगा, इसका उपचार कहाँ होगा। और ये भी है कि देश की गद्दी पूरब की चाल, अर्थात जो अंग्रेजी पढ़े लिखे लड़के हैं, माँ बापों ने उन्हें अंग्रेजी स्कूलों में दाखिला दिया है और अंग्रेजी वेबसाइटों के ऊपर होमोसेक्सुअल या समलैंगिक एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, बताया जाता है, जो पूर्णतः गलत है। मैंने कई बार इस संदर्भ में बताया है और आज भी बता रहा हूं कि ए और बी दो व्यक्ति होते हैं होमोसेक्सुअल में, समलैंगिक में। जो एक व्यक्ति क्या करता है, गुदा मैथुन करवाता है, दूसरा गुदा मैथुन करता है। ये एक अनुसंधान विषय आया मेरे सामने कि जो गुदा मैथुन करवाता है वो सामने जाके कभी नहीं कहता किसी से कि ये, किसी को अपील नहीं करता कि आप मुझे गुदा मैथुन कीजिए। उसके ऊपर या तो बलपूर्वक या बहला फुसला कर गुदा मैथुन कर लिया जाता है। उसकी वजह से वो उस आदत का, उस लत का एक आदि हो जाता है और उसके बाद में वह एक किस प्रकार से उसकी जो मनोस्थिति, जो विश्लेषण है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप सुनिए। देखा हमने कि ये गे या होमोसेक्सुअल जो भी होते हैं, मनोविश्लेषणात्मक देखा है कि ए जो गुदा मैथुन करवाने वाला है और बी जो गुदा मैथुन करने वाला है। तो ये गुदा मैथुन सेक्स या ओरल सेक्स भी इसमें शामिल है, जो कराने वाले की अंतक्रिया से, करने वाला और कराने वाले की अंतक्रिया से अंतर्वैयक्तिक एक संबंध हो जाता है उन दोनों में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो जाता है, जिस पर उस पर पड़ने वाले प्रभाव, संबंध, स्वरूप और वैवाहिक जीवन की आवश्यकता को पहचान नहीं पाते हैं। वो आत्मसात का विकास नहीं कर पाते, उनका सेल्फ ईगो दोषपूर्ण हो जाता है, जिंदगी में आगे दोषपूर्ण व्यक्तित्व विकृति की अभिवृत्ति हो जाती है, पारिवारिक, सामाजिक और वस्तु गलत अनुक्रियाशीलता, गलत हार्दिकता भी पाई गई है, गलत समानुभूति के रूप में पेश करता है। समानुभूति और सहानुभूति में अंतर है, कृपया आपको समझना पड़ेगा। अर्थात वो समानुभूति यानी वो ये महसूस करते हैं कि ये मेरे जैसा है, मैं उसके जैसा हूं, एक दूसरे को यही फीलिंग करते हैं या हम एक दूसरे के लिए बने, बिल्कुल गलत है, पूर्णतया गलत है। और गलत आत्म प्रदर्शन शैली होने से उन्हें वैवाहिक जीवन की एक आवश्यकता होती है वो भूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें वीर्य नाश करने के लिए हस्तमैथुन की प्रक्रियाएं विसलग्न होती हैं। करेला और नीम चढ़ेला अक्सर ये देखा गया है, और गलत आदर्शात्मक शैली हो जाती है, उनके आदर्श गलत हो जाते हैं। वृद्धि और विकास के जब दिन होते हैं उन दिनों में उनके आदर्श गलत हो जाते हैं, और गलत आदर्श के संरक्षण के लिए अगर कोई शामक आवश्यकता की जरूरत होती है उन्हें पता नहीं होता है, शामक आवश्यकता की कमी होती दिखती है उन लोगों में। तो तीसरा है सर्व समानात्मक शैली, यानी हम समान हैं उनका मानना ऐसा ही होता है और उस परिभाषा को घनिष्ठता से अपनाने लग जाता है। इसलिए इस प्रकार से कोई पीड़ित है तो आप बचिए, इसका इलाज है, अपने माता पिता को बताइए या जिन माता पिता को पता है सांत्वना दीजिए, एक हिंसक पशु को किस प्रकार से अपने काबू करके उन्हें अपने वश में कर लिया जाता है, तो इन लोगों को भी उसमें आराम से किया जा सकता है। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।